गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन, और इंग्लिश वन में हमारा सिलेबस हो चुका है हाफ ईयरली तक। तो हमने इसमें प्रीवियस हमने वीडियो में इसका रिवीजन किया था, लेसन 4, 5 और 6 का। आज हम इसमें टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो देख लीजिए आप इसमें। सबसे पहला काम, डेट डाल दीजिए 22 सितंबर। हम कर रहे हैं टेस्ट, आज आपका टेस्ट है। आंसर द फॉलोइंग, आपने जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ आपने उनके आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इजी। व्हेन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे? चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आपने इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू, ऑन विच डे वी सेलिब्रेट गांधी जयंती? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती हम कब सेलिब्रेट करते हैं? क्वेश्चन नंबर थ्री देख लीजिए, वेयर डज द स्नो लैपर्ड लिव? स्नो लैपर्ड कहाँ रहता है? स्नो लैपर्ड का जो घर है वो कहाँ होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर आप देख लीजिए, हु इज़ द मेन एनिमी ऑफ स्नो लैपर्ड? स्नो लैपर्ड का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है, उसका एनिमी कौन है, उनका आपने नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, हु गिव्स द ब्रेवरी अवार्ड? ब्रेवरी अवार्ड, बच्चों को जो पुरस्कार दिया जाता है बहादुरी के लिए, जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन देते हैं, वो किनके हाथों से दिया जाता है? तो ये पांच क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपने करने हैं बिना चीटिंग किए, क्योंकि हमने इससे पहले इनको रिवाइज किया है, आपने लर्न किया होगा, तो आपने इनका मतलब बिल्कुल सीरियसली अपने टेस्ट की तरह इसको करना है, चीटिंग नहीं करनी है। और जब आपने क्वेश्चन उतारना है फिर आपने आंसर लिखना है, आपने सिर्फ आंसर ही आंसर नहीं लिखना है, आपने क्वेश्चन के साथ ही उसका आंसर भी लिखना है विद नंबर। जो आप क्वेश्चन पहले करेंगे उनका नंबर आप डाल दीजिएगा, ठीक है? और जब कर लेंगे तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। ओके, अच्छे से करिएगा आप।